सो है गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। वापस आ चुके फिर से नए फ्रेश स्टूडियो के साथ वापस। तो आज हम जिस पेन के बारे में बात करने वाले हैं वो पेन सब कुछ इरेज कर देता है। लाइक आप उससे जो भी लिखोगे वो पेन सीधा उसको इरेज कर देगा, और बहुत ही तगड़ी पेन है। मतलब एक बहुत अच्छे खासे ब्रांड की तरफ से वो पेन आता है कि ये है फ्रिक्सॉन, जो कि बहुत ही तगड़ी पेन है पायलट की। जो कुछ भी लिखोगे वो इरेज हो जाता है, मतलब बहुत ही तगड़े फीचर्स के साथ ये पेन आता है। आज इसी पेन के ऊपर में बात करेंगे, हम देखेंगे कैसा क्या एक्सपीरियंस है इस पेन के साथ। तो इसको हम 4 स्टेप्स में टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले टेस्ट करेंगे इसकी हम बिल्ड क्वालिटी को, उसके बाद इसकी राइटिंग टेस्ट, उसके बाद स्मज होता है या नहीं होता है वो भी टेस्ट करेंगे। देन सबसे लास्ट वाटरप्रूफ टेस्ट, जो कि क्योंकि सबसे ज्यादा हमें इस पेन को टेस्ट करना है क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी पेन है। और इस सारी टेस्ट को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी तगड़ी वीडियो चैनल पर आती रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी इस पेन की बहुत ही तगड़ी है, दिखने से ही आप लोग डिजाइन यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही तगड़ी से यहाँ पे डिजाइन दी गई है। और यहाँ पे पायलट फ्रिक्शन का लोगो भी बहुत तगड़ा से यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बाय फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ 0.7 mm वाली निब है, यहाँ पे फ्रिक्शन मिल जाता है, टॉप पे बॉल लिखा हुआ है, पायलट लिखा हुआ है, तो ये मिल जाती है आपको पेन में। पूरा जो है वो ब्लूइश कलर आता है और पूरा यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है पेन में। तो मैं बोलूंगा बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। प्लस आपको जो ये प्लास्टिक मिलती है वो बहुत तगड़ी प्लास्टिक मिलती है, मतलब फाइबर इसकी बहुत ही अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की फाइबर इसमें यूज की गई है। और ये जो हमारा जो फिक्शन है इसमें आपको दो टाइप के पेन देखने को मिलते हैं, एक जो आपको देखने को वो क्लिकर एडिशन और एक नॉर्मल सा ये जो हमारे पास है वो। तो अगर बात करें तो ये है इसका इरेजर, पीछे के साइड आपको देखने को मिल जाता है जिससे आप रिमूव करोगे जो भी इरेज करोगे इसकी हैंड राइटिंग वाली चीज़ों को। मुझे बहुत सही लगा कि पीछे से आप इसको ऐसे ऐसे करके इरेज कर सकते हो और आगे से आप लिख सकते हो। इसके टिप को ओपन करते हैं, टिप बहुत ही इजिली ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे इसकी रिफिल आखिर किस टाइप की है। तो यहाँ से आपको ये रिफिल मिल जाती है, निकल जाती है पीछे के साइड से। पेन की रिफिल आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी, रिफिल बहुत ही सही है, मतलब आप इसको चेंजेबल कर सकते हो। आप दुकान में मिल जाएगी इजिली आपको, कोई भी बड़ी से स्टेशनरी वाली शॉप में, तो आप इसको चेंज वगैरह करके उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। तो पहले आप इसको फिट कर देते हैं। रिफिल आपको नॉर्मल सी देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल सी एक रोलर बॉल पेन की आती है। चलिए अब फाइनली चलते हैं हम सबसे पहले इसके राइटिंग टेस्ट पे, क्योंकि राइटिंग टेस्ट बहुत जरूरी है इस पेन का, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर ये पेन चलती कैसी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं राइटिंग टेस्ट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पायलट, और यहाँ लिखते हैं तो मैं बोलूंगा हैंड राइटिंग इसकी बहुत तगड़ी है, मतलब राइटिंग एक्सपीरियंस काफी सही है, जो कि रोलर बॉल पेन्स की जैसे नॉर्मली होती है वैसे ही आपको राइटिंग देखने को मिलती है, और आपको स्मूथनेस भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, और यहाँ पे लिखते हैं गाइस, हेलो गाइस, यहाँ पे लिखते हैं क्या हाल चाल। तो मैं बोलूंगा कि राइटिंग एक्सपीरियंस काफी तगड़ी है इस पेन की, मतलब जो कि एक नॉर्मल सी रोलर बॉल पेन्स की आती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं बोलूंगा कि इससे बेटर हैंड राइटिंग आपको ट्राइमेक्स प्रोवाइड कराता है, V5 प्रोवाइड कराता है, V7 प्रोवाइड कराता है, V5 नहीं बोल सकता, V7 प्रोवाइड कराता है और ट्राइमेक्स प्रोवाइड कराता है इससे बेटर हैंड राइटिंग आपको, क्योंकि वो भी पायलट की है, लग्जर की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये इरेज कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या हाल चाल, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डॉट बना देते हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये पेन सूखता बहुत जल्दी है, तो सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। तो देखते हैं इरेज करके कैसे इरेज होता है। तो देख सकते हो आप, बहुत तगड़ी इरेज होती है, मतलब इससे पहले इसकी मार्क्स भी नहीं रहती यहाँ पे, इससे पहले कुछ था यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हाल चाल को भी डिलीट करते हैं, चाल को चाल बदल देते हैं इसकी। इससे मुझे एक आइडिया आया, ये लोग को गवर्नमेंट के जो कलर्स होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, जो यहाँ पे जिन्होंने आप जिसको आप लोगों ने घूस के तौर पे दिया मानो 500, ऐसे करके वो आपके सामने लिख देते हैं कि चलो आपके 500 जमा कर लिए हमने, और वो ये इस टाइप की कोई पेन यूज करते हैं, सीधा वो 1-0 ऐसे करके इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे दिखता है कि आपने दिया है 50 रुपये उनको। तो इस टाइप से बहुत स्कैम हो सकते हैं इस पेन से, और गवर्नमेंट फील्ड में काफ़ी हो सकता है, चेक पे ही किसी ने साइन कर दिया। जैसे एक मूवीज़ में ही होते हैं ना, कि मूवीज़ में डायरेक्ट बोलता है कि ये लोग ब्लैंक चेक और इसमें जितना डिजिट हो सके भर लो, और वो भर के दे देते हैं, और मानो इस पेन से अगर उन्होंने सिग्नेचर करके दे दिया ऐसे, तब तो ये पूरा का पूरा साइन ही वो इरेज कर देगा, ऐसे ऐसे करके सीधा करके पूरा साइन इरेज कर देगा, वो बैंक लेके जाएगा पूरा चेक ब्लैंक। तो इस टाइप से ये बहुत स्कैम हो सकते हैं इस पेन से। तो जो लोग के पास सातिर दिमाग है वो तो सातिर सातिर चीज़ें कर सकते हैं इस पेन के साथ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इस पेन से और भी हो सकती है अच्छी अच्छी मैं एक नॉर्मल से एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिसमें OMR वगैरह होती है, लाइक JEE की मैं बात नहीं कर रहा, जो भी कंपटीशन हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसकी नहीं, नॉर्मल से जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें अगर जो OMR आपको मिलता है उसमें अगर आप इस पेन से फिल करते हो, अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी आंसर गलत हो गई है,
तो आप उसको नॉर्मली इससे इरेज करके आप MR चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम में उतनी हाई लेवल की मशीन्स नहीं होती हैं जो इसको ट्रैक कर पाए। और मुझे लगता है इस टाइप से इरेज करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पीछे ये डॉट नहीं छोड़ता है, पीछे के पेजेस पे ये नहीं छोड़ता है। तो मैं बोलूँगा कि इस टाइप के पेन को आप यूज़ कर सकते हो कॉलेज के एग्जाम्स में, जब आप OMR फिलिंग वगैरह करते हो। तो बहुत जगह पर ऐसा हो जाता है कि आप OMR में नेम के जगह पर, जैसे कि मेरा नाम है नीरज, तो OMR में फिल करता हूँ तो N के जगह पर वो OMR में मैंने कभी M लिख दिया, कुछ इस टाइप से मिस्टेक हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस पेन की। तो जब आप वो चीज़ें भरते हो तो आप इस पेन का यूज़ कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये पेन स्मज होता है या नहीं होता है। तो सबसे बड़ी टॉपिक है स्मजनेस की भी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं SMUDGE स्मज, और इसको करते हैं स्मज। तो देख सकते हो कि ये पेन हल्का सा स्मज हो रहा है, मतलब माइनर्स आपको दिखेगा नहीं वैसे उतना कुछ खास, लेकिन स्मज होता है ये। जब आपकी अगर भींगी हुई हाथ रहेगी तो उस पर आपको दिखेगा कि हल्का सा स्मज हो रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ जिससे आप लोग भी देख पाओ कि स्मज हो रहा है कि नहीं। तो हल्का सा स्मज होता है, पता नहीं चलेगा, माइनर सा स्मज है। उसके बाद हम बात करेंगे इस पेन के वाटर प्रूफ टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाटर प्रूफ, यहाँ पे लिख देते हैं वाटर प्रूफ। तो चलिए सबसे पहले इसको वाटर प्रूफ को देखते हैं, आखिर ये वाटर प्रूफ काम करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं, तो फर्स्ट टाइम से ही इसने कलर छोड़ दिया है, मतलब देख सकते हो ऐसी ऐसी वाटरप्रूफ है कि पूरा एकदम अलग हो गया सब कुछ इसका। तो ये पेन आपको वाटरप्रूफ देखने को नहीं मिलते हो, तो ऐसा मत करना कि आप वाटरप्रूफ समझ के इस पर कुछ भी इस टाइप से कर लेना कांड, वरना कांड हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो ये चीज़ संभल के करना। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पेन वाटरप्रूफ नहीं है, तो वाटर से हमेशा बचा के इसको यूज़ करना, क्योंकि पेन वाटरप्रूफ नहीं है तो जब भी आप वाटरप्रूफ सोच के कुछ काम करोगे तो ये पूरा उड़ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा कि इस पेन को बहुत जगह पे आप यूज़ मत करना, लाइक जैसे चेक पे यूज़ मत करना, OMR सीट्स पे यूज़ मत करना। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया वैसे इरेज तो ये सब कुछ कर देता है, बट हो सकता है बहुत स्मार्ट, आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट OMR फिलिंग मशीन्स आ चुके हैं जो चेकर होते हैं, OMR चेकर्स, तो इसके कारण से हो सकता है वो आपको पकड़ ले, कुछ हो जाए। क्योंकि JEE के एग्जाम्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हाई लेवल चेकिंग होती है। तो मैं बोलूँगा इस पेन से आप उसमें रिस्क मत लेना, बाकी आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो बेफिक्र, नॉर्मली जो स्कूल वगैरह में होते हैं, कॉलेज वगैरह में होते हैं। और बहुत सारे कुछ तो इसमें वो तगड़े फीचर्स भी कर सकते हो, लाइक आप एग्जाम में जैसे OMR फिलिंग होती है तो आप एक बार OMR फिलिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी चीज़ के आंसर लग रही कि मैंने गलत भर लिया, तो आप फिर से उसको इरेज करके फिर से न्यू आंसर पर आप टिक मार सकते हो, या फिर इस सब टाइप में इसको यूज़ कर सकते हो और अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो इस पेन से। तो ये सब टिप्स है इस पेन के बारे में, और मुझे लगता है कि ये पेन बहुत तगड़ी है इस प्राइस रेंज पे, और आप लोगों को बिल्कुल परचेज करनी चाहिए, क्योंकि पायलट की पेन है और राइटिंग भी बहुत तगड़ी प्रोवाइड कराती है। इसको कॉम्बो में परचेज करना आप लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा, मतलब प्राइस रेंज में इजी पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैसे 100 रुपीज़ की पेन थी बट मैंने 180 में परचेज किया था, इसलिए मुझे कॉस्टली मिला। लेकिन आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कॉम्बो में परचेज कर सकते हो आप लोगों। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।